बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम स्पोर्ट्स के रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, When is the International Day of Sport for Development and Peace is observed? So, ये जो है 6 अप्रैल को International Day of Sport for Development and Peace ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 का जो इसका थीम था वो था Securing a Sustainable and Peaceful Future for All, the Contribution of Sport। ये इसके 2022 का था थीम। द विंटर ओलंपिक्स जो सर्दियों में खेली जाती हैं, गेम्स केम इनटू बीइंग इन द ईयर। सो पहली मर्तबा विंटर ओलंपिक्स को 1924 में खेला गया था, जर्मनी में खेला गया था पहली मर्तबा 1924 में। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की वीडियोज हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। What is the national sport of England? England का, इंग्लिस्तान का जो कौमी खेल है वो क्रिकेट है। इसके साथ साथ फुटबॉल भी यहाँ फेमस है, लेकिन कौमी जो खेल है वो क्रिकेट है। थॉमस कप इज गिवन फॉर द गेम ऑफ, थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। ये जो है पहली मर्तबा 1939 में सर जॉर्ज थॉमस ने डोनेट किया था, उसके बाद जो है ये बैडमिंटन के गेम में दिया जाता है। 2024 ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, सो 2024 में पेरिस फ्रांस में खेले जाएंगे ओलंपिक्स के गेम। 2016 में रियो डे जेनेरो जो कि एक सिटी है ब्राजील का, वहां खेले गए थे। 2021 में टोक्यो जापान में, 2024 में पेरिस फ्रांस में खेले जाएंगे, और 2028 में यूएसए में लॉस एंजलस में खेले जाएंगे। 2032 में ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वहां खेले जाएंगे। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन द कंट्री, सो पहली मर्तबा कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में खेले गए थे। कनाडा का एक एरिया है हैमिल्टन, हैमिल्टन में ये अगस्त 1930 में पहली मर्तबा कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे। कनाडा इज द करेक्ट आंसर। टेबल टेनिस इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री, सो टेबल टेनिस जो है ये चाइना का खेल है, नेशनल गेम है चाइना, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, साउथ एशिया का कंट्री है। हाउ मेनी टाइम्स हैज ब्राज़ील वन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैम्पियनशिप, सो ब्राज़ील की अगर हम बात करें, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, और इसके इसने अब तक 5 मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। पहली मरतबा 1958 में जीता था, फिर 62, 70, 94 और लास्ट टाइम 2002 में फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने जीता था। वट इज़ द नंबर वन गेम इन द वर्ल्ड, सो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला या दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो फुटबॉल के हैं। फुटबॉल की अगर हम बात करें तो दुरंद कप जो है ये भी एसोसिएट है फुटबॉल के साथ, फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है, और 4 बिलियन जो है इसके फॉलोअर्स हैं दुनिया भर में। अगर हम बात करें तो करीब 8 अरब जो है आबादी है दुनिया की, जिसमें 4 अरब जो हैं ये फुटबॉल के फॉलोअर्स हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। विच कंट्री वन फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये वेस्ट इंडीज ने जीता था, और आपसे ये क्वेश्चन है कि किस साल ये पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का खेला गया था, और इसके साथ साथ ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेशनल गेम ऑफ भूटान इज, भूटान जो कि पाकिस्तान का करीबी मुल्क है, जो कि छोटा सा एक कंट्री है साउथ एशिया में, जिसका जो कैपिटल है वो थिम्पू है, भूटान का थिम्पू इसका कैपिटल है, और इसका जो नेशनल गेम है वो आर्चरी है, आर्चरी जिसे हम तीर अंदाजी भी कहते हैं, ये इसका नेशनल गेम है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.vk विजिट करके अपना टेस्ट दें, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। नेशनल गेम ऑफ फ्रांस इज, फ्रांस जो कि यूरोप का एक कंट्री है जिसका जो कैपिटल है वो पेरिस है, और इसकी जो FATF का जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस में ही है, फ्रांस में आइफल टावर भी यहाँ है, और ये जो है फुटबॉल इसका नेशनल गेम है फ्रांस का, और इसके साथ साथ पेनाल्टी कार्ड्स येलो रेड जो के यूज़ किए जाते हैं फुटबॉल में,
पहली मरतबा इन्हें 1970 में मुतारिफ कराया गया था, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ताजिकिस्तान, अगर हम ताजिकिस्तान की बात करें तो गुश्तिगिरी जो है ये एक किस्म का आप रेसलिंग कह सकते हैं, ये ट्रेडिशनल गेम है ताजिकिस्तान की। ताजिकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है। आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। विच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ रोमानिया, अगर हम रोमानिया की बात करें तो ओइना जो है इसका नेशनल स्पोर्ट है। ओइना ये बेसबॉल की तरह एक खेल होता है और मोस्ट पॉपुलर जो गेम है रोमानिया में ये फुटबॉल है, लेकिन नेशनल गेम जो है वो ओइना है। विच इज द नेशनल गेम ऑफ आयरलैंड, अगर हम आयरलैंड की बात करें तो यूरोप का कंट्री है। गैलिक फुटबॉल एक किस्म का खेल है जिसमें दो टीमें होती हैं और 15 प्लेयर्स होते हैं। आयरलैंड का ये जो है नेशनल गेम है। पहली मर्तबा गैलिक फुटबॉल को 1885 में खेला गया था। विच इज द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका जो कि एशिया का ही एक कंट्री है और ये जो है इसका नेशनल गेम जो है वो वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका। और सबसे ज़्यादा जो मशहूर गेम है वो क्रिकेट है श्रीलंका का, और इसके साथ साथ श्रीलंका की जो करेंसी है वो रुपयी है। श्रीलंका के दो कैपिटल्स हैं कोलंबो और श्री जयावर्धना पुरे कोटी। ये जो है श्रीलंका के बारे में था। नेशनल गेम ऑफ स्पेन, अगर हम स्पेन की बात करें तो ये भी यूरोप का एक कंट्री है। मैड्रिड इसका कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, और इसके साथ साथ इसके जो नेशनल गेम है इसका वो बुल फाइटिंग है, जो कि एक ख़तरनाक किस्म का एक खेल है। बुल फाइटिंग की जाती है यहाँ, इसे कहते हैं बुल फाइटिंग, और ये नेशनल गेम ऑफ स्पेन है। नेशनल गेम ऑफ जापान, जापान की बात करें तो ये एशिया का एक कंट्री है। 12 से 13 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है और इसका जो कैपिटल है वो टोक्यो है। इस पर 1945 में जो है इसके शहरों पर अटैक किया गया था, एटमी हमले हुए थे, और इसमें जो नेशनल गेम है जापान का वो है जूडो है, JUDO जूडो, ये है जो है ये जूडो है इसका। सो जूडो इसका करेक्ट आंसर है, और जूडो की जो शुरुआत हुई थी बर्थ प्लेस ही है वो जापान है। यहाँ इस तरह का ये खेल है, इसको जूडो कहा जाता है, ये नेशनल गेम है जापान का। द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसका कैनबरा कैपिटल है और सबसे बड़ा सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया का वो सिडनी है। इसका जो नेशनल स्पोर्ट है वो क्रिकेट है। इसके साथ साथ नेशनल स्पोर्ट ऑफ अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान का बुजकशी एक खेल है, ये आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। सो इस खेल को कहते हैं नेशनल स्पोर्ट ऑफ अफगानिस्तान, इसे गोट पुलिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन अफगानिस्तान के जो लोग हैं इसको बुजकशी कहते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, काबुल इसका कैपिटल है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश इज, बांग्लादेश जिसका कैपिटल ढाका है और इसके साथ साथ टका इसकी करेंसी है। कबड्डी जो है इसका नेशनल गेम है, कबड्डी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ईरान इज, ईरान की बात करें तो रेसलिंग जो है इसका नेशनल स्पोर्ट है। तेहरान इसका कैपिटल है, ये भी पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान तो आप जानते ही होंगे कि हॉकी है पाकिस्तान का नेशनल गेम, और इसके साथ साथ पाकिस्तान कितनी मर्तबा हॉकी वर्ल्ड कप जीत चुका है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेशनल एनिमल मारखोर है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़ है, नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल हैं। ये जो भी मैंने एनसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं ये मोस्ट रिपीटेड हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें। इनके बारे में टेस्ट और इंटरव्यूज़ दोनों में पूछे जाते हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस हर पेपर में आने वाले। इस तरह के जनरल नॉलेज के सवाल हासिल करने के लिए गूगल पर test.pk सर्च करें, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आपको इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ मज़ीद इस तरह के सवाल, चाहे वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड हों, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हों, तो आप test.pk विज़िट करके उनको देख सकते हैं, लिंक जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और इस तरह के अगर आपको मज़ीद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन चाहिए तो
हमारी वेबसाइट है testpoint.pk। जब आप उसको विजिट करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरह के आपको जनरल नॉलेज के सामने आ जाएंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट इन द वर्ल्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज, दुनिया के जो कैपिटल्स हैं, करेंसीज हैं, नेशनल ट्रीज हैं, नेशनल फ्लावर्स हैं, यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेपन्स हैं, ग्लव, फेमस बुक्स, दुनिया के जो बड़े बड़े बहर हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, झीलें हैं, बीच हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, रेवोल्यूशंस हैं, और जो इंकलाबात आए हैं दुनिया में, इंकलाब आए हैं, नेशनल फ्लैग्स हैं, लैंडलॉक्ड कंट्रीज, एयरलाइंस, न्यूज़ एजेंसीज, इस तरह के 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तमाम तर आपको जनरल नॉलेज के MCQs इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, डिटेल के साथ मिल जाएंगे, जो कि आपकी तमाम क्वेश्चंस, तमाम टेस्टों के लिए, तमाम इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही अहम हैं। सो आप इस वेबसाइट को विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो लेक्चर का जो PDF है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।